और यमन में हमले से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, क्योंकि हुदैदा में इसराइल का 7 जगहों पर हमला। खबर आई है हुती के 7 ठिकानों पर हुई भीषण बमबारी को लेकर तेल अवीव में हमले का हुती से बदला लिया गया है। लेबनन पर आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है। लेबनन में हिजबुल्ला के अंडरग्राउंड अड्डों को तबाह करने और उसके बाकी बचे हुए कमांडर्स के खात्मे के लिए इजरायली सेना ने नया प्लान बनाया है। इजरायल अब लेबनन में घुसकर हिजबुल्ला का संपूर्ण खात्मा करेगा, ठीक उसी तरह जैसे उसने गाजा में हमास का हाल किया है। इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के खिलाफ इस न्यू ऑपरेशन को न्यू फेज ऑफ वॉर का नाम दिया है। अब लेबनन बॉर्डर पर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को भेजने के साथ ही टैंक ब्रिगेड भी तैनात कर दी है। यानी लेबनन में इजराइल कहां कहां ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, उसके टारगेट पर अब कौन कौन है, इस खास रिपोर्ट से समझिए। लेबनान अब नया गाजा बनने जा रहा है। हिजबुल्ला के ठिकानों पर बेतहाशा बारूद बरसाने के बाद इजरायली सेना ने अब लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की। चौबीस घंटे के अंदर लेबनान के अंदर घुसकर इजरायली सेना हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह करेगी। हिजबुल्ला के नेटवर्क को ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए ध्वस्त करने का पूरा प्लान इजरायली सेना ने बना लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन के प्लान को न्यू फेज ऑफ वॉर का नाम दिया है। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना का मूवमेंट तेज हो गया है। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में घुस सकती है। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल ने अपनी सेना की तैनाती कर दी। वहीं बॉर्डर पर इजराइल की टैंक ब्रिगेड भी पहुंच चुकी है। इजरायली सेना और टैंकों का मूवमेंट बॉर्डर पर बढ़ता ही जा रहा है। माना जा रहा है कि इजरायली सेना को लेबनान में दाखिल होने का हुक्म भी दे दिया गया है। इसी बीच आईडीएफ चीफ ने नॉर्दर्न कमांड में ब्रिगेड ऑपरेशन की तैयारी का जायजा भी लिया और लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को ध्वस्त करने के पूरे प्लान को लेकर सेना के अधिकारियों को जानकारी भी दी। आईडीएफ ने लेबनान के बेका वैली को खाली करने का आदेश दे दिया है। माना जा रहा है कि दाहिया के साथ साथ अब बेका में भीषण बमबारी की जाएगी। इसराइल का दावा है कि बेका में हिजबुल्ला ने रॉकेट, ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलें छिपा रखी। ऐसे में जाहिर है कि अब बेका में हिजबुल्ला के ठिकानों और उसके हथियारों को तबाह करने के लिए इजरायली सेना यहां भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगी और भयंकर बारूद भी बरसाएगी। बेका में संभावित विध्वंस को देखते हुए बेका के लोगों को तब तक वापस ना लौटने को कहा गया है कि जब तक इजरायली सेना लौटने को ना कहे। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल में लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बॉर्डर पर हिजबुल्ला के ठिकानों को नष्ट करने के लिए छोटे अभियान शुरू भी कर दिए। अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि अगर इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा तो इसका दायरा सीमित होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्ला के अंडरग्राउंड ठिकाने,
हिजबुल्ला की सुरंगें, मिसाइल लॉन्च साइट, रॉकेट लॉन्च साइट, हथियारों के गोदाम के अलावा वो इमारतें हैं जिसमें हिजबुल्ला ने हथियार छिपा रखे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्ला के रॉकेट और मिसाइल डिपो पर हमला तो होगा ही, हिजबुल्ला के बचे हुए कमांडरों का खात्मा भी इजराइल करेगा। हिजबुल्ला के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का एक बड़ा मकसद पाताल के अंदर उसके बंकर बस्टर को भी ध्वस्त करना है। क्योंकि नसरुल्ला ऐसे ही अंडरग्राउंड टनल के अंदर छिपा था जिसे इसराइल ने बंकर बस्टर बम के जरिए पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया और नसरुल्ला का खात्मा कर दिया। इसराइल के बंकर बम से उसकी टनल भी पूरी तरह तबाह हो गई। इसी तरह अब हिजबुल्ला के दूसरे बचे हुए कमांडरों को मार गिराने के लिए भी इजरायली सेना हिजबुल्ला के सभी अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह कर देगी। लेबनान के जिन इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है उनमें खास तौर पर बेरूत, बेका वैली, बालबैक, सिडोन और तायर है। ये लेबनान के वो इलाके हैं जहां हिजबुल्ला के गढ़ है। इन इलाकों में हमले करके इजरायली सेना हिजबुल्ला की कमर पूरी तरह तोड़ देना चाहती है। यही नहीं, सीरिया में भी हिजबुल्ला के सेंटर हैं, सीरिया में भी हिजबुल्ला के हथियारों के डिपो और आर्म्स फैक्ट्री हैं। इजरायल उन्हें भी नष्ट कर देना चाहता है। उधर इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन का मुकाबला करने के लिए हिजबुल्ला भी तैयारी कर रहा है। हिजबुल्ला ग्राउंड ऑपरेशन से बचने के लिए अपने ठिकानों को शिफ्ट करने में जुट गया है। नसरुल्ला की मौत से हिजबुल्ला की कमर टूट गई है। ऐसे में हिजबुल्ला अब ज्यादा नुकसान नहीं चाहता है। हिजबुल्ला के ठिकानों को लेकर लेबनान भी चिंतित है। लेबनान सरकार को यह एहसास है कि इसराइल के बड़े हमलों के बाद उसके देश का भी वही हाल हो सकता है जो इसराइली सेना ने गाजा में किया। हालांकि इसराइल अभी लेबनान पर सीधा हमला नहीं करना चाहता, लेकिन हिजबुल्ला पर उसके हमले पहले से भी विध्वंसक हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत वर्ष।